मध्य प्रदेश में मॉनसून का दौर चल रहा है। राजधानी भोपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही अगरमालवा, अशोकनगर, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, मंदसौर, मुरैना, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रतलाम, सागर, शाहजहांपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और उज्जैन में अगले 24 घंटों तक मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चलिए मौसम वैज्ञानिक से जानते हैं मौसम के बारे में। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र था वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय था, साथ में गुजरात के ऊपर भी एक चक्रवाती घेरा था और मानसून ट्रफ दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान से होते हुए इस चक्रवाती घेरे तक जा रहा था और इसके इन्फ्लुएंस में कई जगहों पे मध्यम से भारी वर्षा जबकि कुछ जगहों पे अति भारी वर्षा, वहीं पे सिंगरौली में अत्यधिक भारी वर्षा भी दर्ज की गई। आगामी 24 घंटे की बात करें तो जैसे आप सैटेलाइट इमेजरी में देख सकते हैं अभी भी झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था इसके इन्फ्लुएंस में एक लो प्रेशर एरिया माने निम्न दाब क्षेत्र बन चुका है और जो मानसून ट्रफ है इस निम्न दाब क्षेत्र के केंद्र से होते हुए सीधी और ग्वालियर होते हुए माने मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से से होकर सीकर माने उत्तरी राजस्थान तक गुजर रहा है। साथ में एक और ट्रफ लाइन जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है वो मध्य क्षोभ मंडल के स्तर पर इन्हीं लगभग लगभग इन्हीं क्षेत्रों में सक्रिय है। वहीं पे अगर आप दक्षिण पश्चिम हवाओं की बात करें अरेबियन सी से माने अरब सागर से भी प्रॉपर मॉइस्चर फीडिंग हो रही है और दक्षिणी हवाओं से जो आपका बंगाली खाड़ी का उत्तरी हिस्सा है वहाँ से भी जो नमी आ रही है ये सीधे सीधे मध्य प्रदेश को प्रभावित कर रही है और कई जगहों पे जैसे आप सैटेलाइट इमेजरी में देख सकते हैं जो आपको येलो और रेड पैचेस दिख रहे हैं कई जगह पे अच्छी बारिश आज सुबह से या अभी ये कहना चाहिए कि आज देर रात से जो पिछले कल रात से शुरू हुई थी अभी तक वो जारी है और अगले 2 दिनों तक ये गतिविधियां रहेंगी। बाद ये सिस्टम पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हुए उत्तरी झारखंड होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के जो दूसरे हिस्से हैं खासकर जो दक्षिणी और मध्य हिस्से उनको प्रभावित करेगा। कल हमने जबलपुर संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग के कुछ हिस्से जिसमें सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर यहाँ पे रेड अलर्ट दिया है। वहीं पे शिवपुरी, शिवपुर कला में भी अत्यधिक भारी वर्षा कहीं कहीं पे होने की संभावना है जहाँ पे रेड अलर्ट है और लगभग लगभग प्रदेश के सभी उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य हिस्से जिसमें जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर संभाग के हिस्से शामिल है यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट माने अति भारी वर्षा जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। इन सभी परिस्थितियों के देखते हुए अगर आप जो हमने प्रेस रिलीज जारी किया है वहाँ पे आप देखें तो कुछ जगहों पे जहाँ पे निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना है या फिर बाढ़ आने की संभावना है वो भी आप